वाओ, देखो मैंने कितना बड़ा और सुंदर केक तैयार किया है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे वहाँ नीचे क्या हो रहा है? यह क्या बकवास है, फूल से केक कौन सजाता है? यह बेकार है, यहाँ जैम बिल्कुल सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, बस करो, यह मेरा कस्टम केक है। चॉकलेट के साथ यह और भी अच्छा लगेगा। वाह, कितना बड़ा केक है, इसे देखकर मुझे इसे जल्द से जल्द खाने का मन हो रहा है। तो खाती क्यों नहीं? और सच यह है कि मुझे भूख लगी है, हम एक चुनौती क्यों नहीं करते? चलो शुरू करें। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान, यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है, फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सब को आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है, यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही, अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो, हाँ थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया, बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे, लेकिन इसे कैसे मैनेज करें? मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है, सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती, यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कलिनरी स्किल के लिए बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल इस तरह से, देखो। अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया, बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है,
तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा, तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए, इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है, कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा, रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाओ एमा, तुमने क्या किया है, केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बच्चा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है, यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी इस बार आप जीत रही हैं। अरे मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ हम यह करेंगे। ओह केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, ये घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ ये ही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से। मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ अब यह तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को यह पता नहीं चलेगा। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी।
कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है। और क्या खुशबू है। इसे अवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों दादी यहाँ है। अरे नहीं उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी जल्दी इसे खाओ। वाह कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ। इनी मेनी माइनी मो तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ माफ करना मैगी। वाह वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओ वाह यह इंद्रधनुषी है। और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए। शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओ हाँ मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है। पॉपकॉर्न। खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ चलो उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं। और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काबी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी आपको रंग कैसे लगे। खैर आपको कुछ नहीं पता है। ओह ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ ओ ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा।
मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओवा गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह यह क्या बस एक? ओह माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और यह कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है। और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या वह क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच, और सोफी का चित्र तैयार है। क्या उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है? ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है।
एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स है। अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी आप बस कमाल के हो, ये सबसे अच्छा डिश है। ओ धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें।